गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है सुधीर बने, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुधीर्स और आज हम जा रहे हैं कोच्चि से कन्याकुमारी। तो चलो शुरू करते हैं। आज सोचा कुछ अलग तरीके से शुरुआत करते हैं, बट ये अलग तरीका बन गया अपने टेक्निकल गुरुजी का कॉपी। होप उन्होंने ये स्टाइल के ऊपर कॉपीराइट नहीं रखा है, नहीं तो एक स्ट्राइक तो आज ही आ जाएगा। दोस्तों हम हैं अभी एर्नाकुलम में, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था और अभी शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी टूवर्ड्स कन्याकुमारी। केरला की यही खासियत है, काफ़ी सारे रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज है, बैक वाटर का तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, तो आपको ब्रिजेस क्रॉस करने के लिए तो बहुत सारे मिलेंगे। ये क्या है, एक हाथी को ले जा रहे हैं ट्रक के ऊपर में, बट ये केरला में काफ़ी कॉमन साइट है। हाथी ऐसे भी पूरे हिंदुस्तान में ही एक रिस्पेक्टेड एनिमल है, बट केरला में खास करके यहाँ पे आज भी काफ़ी सारे मंदिरों में हाथी पाले जाते हैं और उनका एक स्थान है उन मंदिरों में। जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं खास या भगवान की यात्रा होती है तो इन हाथियों को अपने मंदिरों में बुलाया जाता है। इसी तरह से ट्रक से लेके जाते हैं वो मंदिर में, वहाँ उनकी पूजा होती है, वो प्रोसेशन का एक पार्ट होते हैं। हाथियों को इतना रिस्पेक्ट किया जाता है केरला में कि जब ये हाथी ट्रांजिट में होते हैं या ट्रक में से जाते रहते हैं तो उनके सामने काफ़ी सारे मोटरसाइकिल प्रोसेशन में जाते हैं उन्हें उनके मंदिर तक या उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए।
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि केरला के कोस्टल हाईवे पे अगर आपको गाड़ी चलानी है तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल के कवर अप कर लीजिए डिस्टेंस को, या फिर अगर आप नॉर्मल टाइम पे निकल रहे हैं डे टाइम में तो आपको ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ पे ओवरटेक करना काफ़ी मुश्किल है। या तो आपको गाड़ियों के पेस से चलना पड़ेगा एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू डू द ओवरटेक। ये हम लोग कोलम सिटी से बाहर निकले हैं और ये एक नया हाईवे मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत हाईवे है, काफ़ी अच्छा रास्ता है। ये शायद पूरा कोवलम तक जाएगा इसे ही, तो ये रास्ते पे तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। एकदम क्लीन, एब्सोल्युटली नया रास्ता। भाई साहब यार, ये ग्राफिक्स तो देखो इस बस के ऊपर में, क्या हल्क बनाया है। हम अभी ये कोट्टायम सिटी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, थोड़ा इंटीरियर से ही हम लोग गुजरेंगे, दैट इज़ कोस्टल रोड। कुछ फेस्टिविटी चल रही है लगता है, कोई मंदिर में टेंपल में फेस्टिवल है और जिसके लिए ये रास्ते पे डेकोरेशन किया गया है और ये काफ़ी डिस्टेंस तक ये डेकोरेशन है, तो चलो देखते हैं।
लीजिए, तमिलनाडु में तो हम पहुंच चुके हैं अभी। यही रास्ता, इसी तरह से रास्ता है कन्याकुमारी तक, तो चलो चलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में मेरा स्टे बुक था होटल राजम में। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस होटल में, मेरा स्टे काफ़ी प्लेजेंट था। यहीं इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। मेरा आज का इवनिंग का और कल सुबह का काफ़ी बढ़िया प्लान है, जो मैं अपने अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।